अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीमोरल ट्रायंगल के बारे में। देखें, फीमोरल जो ट्रायंगल होती है ये हमारे इंटीरियर थाई में होती है और ये इंग्वाइनल लिगामेंट के बिल्कुल नीचे होती है। तो इसमें जो मेन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सी होंगी फीमोरल ट्रायंगल में। जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नंबर वन, इसकी बाउंड्रीज़ किससे बनती हैं, किसमें क्या होता है, बाउंड्रीज़ आ गया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जनाब फीमोरल ट्रायंगल के रूफ़ फ्लोर में क्या होता है, फ्लोर किससे बनता है। उसके बाद नंबर तीन पर हम देखेंगे रूफ़ किससे बनता है। उसके बाद नंबर चार पर हम देखेंगे कंटेंट्स क्या होते हैं इसके, और इसके बाद नंबर फाइव पर हम देखेंगे कि फीमोरल शीथ क्या होती है, फीमोरल शीथ। और उसके बाद नंबर सिक्स पर हम देखेंगे फीमोरल कनाल क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं फीमोरल ट्रायंगल। तो फीमोरल ट्रायंगल जो आपकी शुरू होती है वो होती है जनाब एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से। ये एक तरह का आपका एंटीरियर, ये सुपीरियर इलियक स्पाइन है, ASIS, मतलब कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इधर से इस तरह ये शुरू होती है और ये आपकी जाती होती है आपके प्यूबिक ट्यूबरकल तक। PT से मैं क्या शो कर रहा हूँ प्यूबिक ट्यूबरकल। और इसके बिल्कुल ऊपर ये क्या होता है, इंग्वाइनल लिगामेंट, यानी कि इंग्वाइनल लिगामेंट से इस तरह। और इस तरह ये और एक और दो आपके मसल्स होते हैं जो इसकी बाउंड्रीज बना रहे होते हैं। यहाँ से एक जो मसल्स होता है इसका नाम क्या होगा, इस तरह जो मसल्स आता है इसका नाम होता है जनाब अडक्टर लॉन्गस मसल्स। क्या नाम होता है इसका, AL से मैं क्या शो कर रहा हूँ, अडक्टर लॉन्गस। उसके बाद ऊपर से एक मसल्स आता है इस तरह, ये बहुत लंबा मसल्स होता है, यानी कि लॉन्गेस्ट मसल्स हमारा होता है जिस्म में, क्योंकि ये आपकी फीमर बोन से लेकर आपके नी जॉइंट तक जाया जाता है। और इसका नाम क्या होता है, सार्टोरियस मसल्स। क्या होता है, सार्टोरियस मसल्स, यानी कि ये टोटल ये मसल्स होता है, कौन सा होता है, सार्टोरियस मसल्स। अभी हमसे अगर पूछा जाए कि ये कौन कौन सी होते हैं बॉर्डर्स, तो ये वाला जो आपका अडक्टर लॉन्गस जो मसल बनाता है इस बॉर्डर को कहते हैं मीडियल बॉर्डर। कौन सा बॉर्डर होता है, मीडियल। और जो सार्टोरियस वाला जो बॉर्डर बनता है ये कौन सा होता है, लेटरल बॉर्डर। ये कौन सा होता है, लेटरल। और ये वाला जो सुपीरियर होता है ये कौन सा, सुपीरियर। इंटीरियर भी किसी किसी में लिखा हुआ है, ठीक होगा। तो ये तीन बॉर्डर हो गए। अब हमसे MCQs में पूछा जाता है कि ये तीन तो बॉर्डर हो गए और ये बॉर्डर किस किस से बनते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मीडियल बॉर्डर से। किधर से शुरू करेंगे, मीडियल बॉर्डर से। देखें, मीडियल बॉर्डर किस मसल से बनता है, अडक्टर लॉन्गस से। तो देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये ये दो फिंगर्स जो हैं ये एक तरह का अडक्टर लॉन्गस मसल्स है, और ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं मीडियल पार्ट, और ये वाला कौन सा होता है, लेटरल पार्ट। तो जो मीडियल पार्ट होता है ना ये इस तरह बिल्कुल इसके साथ लगा होता है। जब ये इसके साथ लगा होगा तो क्या होगा कि मीडियल बॉर्डर जो होता है वो अडक्टर लॉन्गस के मीडियल बॉर्डर से बनता है। समझ आ गई आपको। अगर फॉर एग्जाम्पल ये मसल है अडक्टर लॉन्गस, तो अडक्टर लॉन्गस का ये वाला हिस्सा जो है वो का मीडियल, और इसके साथ ये वाला हिस्सा कौन सा, लेटरल। ये कौन सा है, लेटरल। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये जुड़ तो मीडियल रहा के साथ, तो जो मीडियल वाला हिस्सा होगा, तो हमने क्या बनाना है, बताना है कि जो मीडियल बॉर्डर होता है फीमोरल ट्रायंगल का, उसका जो मीडियल बॉर्डर होता है वो डॉक्टर लॉन्गस की मीडियल बॉर्डर से बनता है, मीडियल पार्ट से बनता है। हो सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं सार्टोरियस, यानी कि ये कौन सा मसल बॉर्डर आपका बनाता है। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए लेटरल बॉर्डर बनाता है। कौन सा बनाता है, लेटरल बॉर्डर। ये लेटरल बॉर्डर किस तरह बनाता है, इसी तरह जैसे ये मीडियल बॉर्डर, जो मीडियल जो बॉर्डर था अडक्टर लॉन्गस का, इसी तरह सार्टोरियस जो मसल्स होता है उसका भी मीडियल बॉर्डर आपका लेटरल बॉर्डर बना रहा होता है। समझ आ गई आपको। देखें, अगर सार्टोरियस मसल्स है तो ये वाला इस तरह समझें कि इसका क्या है, सार्टोरियस मसल्स का मीडियल बॉर्डर, और इसके साथ दूसरी तरफ इसका क्या है, लेटरल बॉर्डर। लेकिन जो जुड़ रहा है इसके साथ वो कौन सा होता है, मीडियल बॉर्डर। तो हम क्या कहेंगे, सार्टोरियस मसल्स का मीडियल बॉर्डर जो होता है वो फीमोरल ट्राइंगल का लेटरल बॉर्डर बना रहा होता है। आपको समझ आ गई होगी ऑप्शो, क्योंकि ये कौन सा होता है, फीमोरल ट्राइंगल का लेटरल बॉर्डर। लेकिन लेटरल बॉर्डर किससे बनता है, सार्टोरियस के मीडियल बॉर्डर से। उसके बाद हम आ जाते हैं इस बॉर्डर की तरफ, और ये वाला जो बॉर्डर होता है ये किससे बनता है, इंग्वाइनल लिगामेंट से। तो हमारे कितने बॉर्डर, सारे क्लियर हो गए कि ये तीन बॉर्डर कैसे बनते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं आगे वाले पार्ट पर। बॉर्डर्स हमारे क्लियर हो गए। दूसरे नंबर पर जो हमारे डिस्कस करना था वो किसके करना था, हमारे फ्लोर पर। अभी देखें फ्लोर को कैसे डिस्कस करते हैं। फ्लोर होता है नीचे वाला हिस्सा। तो ये नीचे वाला हिस्सा मतलब कि ये किस किस मसल से मिलकर बना होता है, सिंपल ये होता है आपकी जो फीमोरल ट्राइंगल होती है ये चार तरह के मसल से बनती है। अगर मैं दोबारा ये स्ट्रक्चर इस तरह ड्रा करूँ, मतलब कि ये मीडियल बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर, और ये क्या था, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन,
और ये क्या था, प्यूबिक ट्यूबरकल। अच्छा जी, अभी आप गौर से देखें कि अगर मैं इधर से एक सेंटर से इधर एक तरह लाइन यानी कि ड्रा करता हूँ, तो दो जो मसल्स होते हैं वो इस तरफ जो होंगे वो उसको कहते हैं मीडियल साइड, और ये इस तरफ होंगे उसको कहते हैं लेटरल साइड। समझ आ रही है? तो सिंपल सी बात है कि जो फ्लोर जो बनता है वो चार तरह के मसल से बनता है। मतलब कि अगर हमसे कोई बंदा क्वेश्चन में पूछता है कि आपके कौन से कितने मसल से आपका फीमोरल ट्राइंगल का फ्लोर बनता है, तो हमने बताना है चार मसल से। वो चार मसल्स कौन से होते हैं? सबसे पहले एक जो एडक्टर लॉन्गस जो होता है, जो आपका मीडियल बॉर्डर फीमोरल ट्राइंगल का बना रहा होता है, ये आपका फ्लोर भी बना रहा होता है। एक तो मसल ये हो गया, ठीक हो गया। और इसके साथ एक मसल इस तरह इसके साथ होता है, जो इसका नाम होता है नंबर दो। इसका नाम क्या होता है? पेक्टिनियस मसल्स। क्या होता है? पेक्टिनियस मसल्स। समझ आ रही है? नंबर दो यार, ठीक हो गया। तो फीमोरल ट्रायंगल का जो मीडियल वाला बॉर्डर जो होता है, जो मीडियल वाली फ्लोर जो होती है, मीडियल वाला फ्लोर जो होती है, वो किस दो मसल से बनती है? एडक्टर लॉन्गल से और पेक्टिनियस मसल से। अब हम लेटरल वाली साइड पर आ जाते हैं। लेटरल वाली साइड पर क्या होते हैं? यहाँ पर आपके एक मसल्स होते हैं ऊपर से, ऊपर पर, उसको कहते हैं इलियाकुस मसल्स। क्या कहते हैं? इलियाकुस मसल्स, ठीक हो गया, नंबर तीन। और उसके बाद यहाँ पर एक मसल्स का टेंडन होता है, टेंडन ऑफ सोस मसल्स। कौन सा मसल्स होता है? टेंडन ऑफ सोस मसल्स। तो अगर हमसे पूछा जाए कि फ्लोर कितने मसल से बनता है, तो हमने सिंपली क्या बताना है कि फ्लोर आपके चार मसल से बनता है। वो चार मसल्स कौन से होते हैं? अगर हम मीडियल से लेटरल की तरफ जाएँ, तो सबसे पहले आएगा एडक्टर लॉन्गस। AL से मैं क्या शो कर रहा हूँ? एडक्टर लॉन्गस। उसके बाद क्या आएगा? पी से, पेक्टिनियस मसल। उसके बाद नंबर थर्ड पर क्या आएगा? कौन सा मसल्स आएगा? नंबर थर्ड पर आपका आ जाता है टेंडन ऑफ सोस मसल्स, टेंडन ऑफ सोस मसल्स, ठीक हो गया। नंबर फोर पर क्या आता है? इलियाकुस मसल्स। सिंपल सी बात, इलियाकुस मसल्स, ठीक हो। और अगर हमसे पूछा जाए कि मीडियल फ्लोर कौन बनाता है, तो हमने बताना एडक्टर लॉन्गस और पेक्टिनियस। और लेटरल फ्लोर कौन बनाता है? टेंडन ऑफ सोस मसल्स और इलियाकुस मसल, ठीक हो गया जनाब। ये आपका होगा यानी कि मतलब के फ्लोर कौन बनाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जनाब इसका मतलब के जो कंटेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है।